हम बनाने जा रहे हैं प्याज भाजी की सब्जी। सब्जी बनाने के लिए हमने अपने छोटे से किचन गार्डन से प्याज भाजी की सब्जी लेकर आए हैं। चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं प्याज भाजी की सब्जी। प्याज भाजी को हम छोटे छोटे से कट करेंगे। कट करने के बाद इसे अच्छी तरीके से धो लेंगे और प्याज भाजी में डालने के लिए लेंगे लहसुन, लाल मिर्ची, प्याज, भीगी हुई चने दाल और टमाटर। फिर गैस पर पैन रखेंगे। पैन पर 2 चम्मच तेल डालेंगे। तेल गर्म होने के बाद डालेंगे इसमें लहसुन, लाल मिर्ची, प्याज। इन सभी को अच्छे से मिक्स करेंगे और प्याज का कलर गोल्डन ब्राउन होने के बाद हम इसमें बारीक कटी हुई प्याज भाजी को डालेंगे, साथ में भीगी हुई चने दाल को डालेंगे। दोनों को मिक्स करेंगे और ढककर पका लेना है। प्याज भाजी को बीच बीच में चलाते रहना है। प्याज भाजी के थोड़े से पकने के बाद डाल देंगे इसमें टमाटर। टमाटर के साथ डालेंगे स्वाद के अनुसार नमक, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 चम्मच धनिया पाउडर। इन सभी को मिक्स करेंगे और थोड़े देर के लिए ढक देंगे। दोस्तों सब्जी बहुत अच्छे से पक गया है। अगर आपका सब्जी ना पका हो तो आप इसमें थोड़े से पानी डालकर आप इसे अच्छे से पका सकते हो। तो हमारी प्याज भाजी की सब्जी बनकर हो गया तैयार। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और इसी तरीके के वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।